दोस्तों इस वीडियो में हम लोग को फाइंड आउट करना है एन डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। आइए शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे यही हमें इस वीडियो में देखना है। सबसे पहले हम इसको एक सुटेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको एन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें। तो ये हमारे पास में हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का होल स्क्वायर डॉट कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का होल स्क्वायर डॉट कॉस एक्स। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 2 sin x dot cos x होता है sin 2x, that means ये हो जाएगा sin square 2x dot cos x. Sin square 2x दोस्तों होता है, इसे आप further change कर सकते हो क्योंकि cos 2x होता है 1 minus 2 sin square x. यहां से अगर हम इसको चेंज करें तो sin square 2x होगा 1 minus cos 4x divide by, ये ठीक है। जब हम इसको साइन स्क्वायर टू एक्स को चेंज करेंगे तो ये फर्दर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 डॉट कॉस एक्स। अभी हम लोग को क्या करना है, इस कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 1 और कॉस 4x के साथ, 2 4 जा 8, ये एक साइड कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट कॉस 4x, ये हमारे पास में। अभी यहां से हम फिर से हमें इसे चेंज करना है, चेंज क्या करेंगे, हम इसको फिर से 2 cos a cos b की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 8 cos x minus 1 by 16 2 cos x dot cos 4x। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, अब ये फॉर्मूला बन गया है cos a plus b plus cos a minus b का। तो इसको फर्दर इधर देखते हैं इस तरह से करना है, cos x माइनस ये हो जाएगा 1 बाई 16 cos a प्लस बी दैट इज 4 प्लस 1 x प्लस 4x, तो cos 5x माइनस ये क्या हो जाएगा a माइनस बी या b माइनस a, क्योंकि cos माइनस c का cos थीटा ही होता है तो चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos थीटा के माइनस होने से। तो 4x माइनस x दैट इज cos 3x एंड 1 बाई 16 साथ में, हमने ब्रैकेट को साथ ही ओपन कर लिया है। फर्दर हम इसको सिर्फ इसका हमें एन डेरिवेटिव देखना है, तो यहां रेडीमेड रिजल्ट यूज करने वाले हैं। हमें मालूम है कि cos x का एन डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का एन डेरिवेटिव होता है cos n पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है। एंड cos ax का एन डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू पावर n दैट इज 5 की पावर n हो जाएगी, एंड cos ax दैट इज 5x प्लस n पाई बाय 2। सिमिलरली cos ax अगेन दैट इज 3 की पावर n, क्योंकि अब की बार एक ही जगह पे 3 लिखा हुआ है, एंड cos x दैट इज 3x प्लस n पाई बाय। तो दोस्तों ये है एन डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स। आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।